दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बर्मा सर को लिफ्ट में बड़ा मजा आता है, इस बार भी इन्होंने एक लिफ्ट ले ली, बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा बड़ी लिफ्ट बना लेते हैं, am I right? और थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमको मास घुमाने पड़ेंगे। तो हमने कहा थोड़ी सी बड़ी लिफ्ट ले ले, चौड़ी ले ले। ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी और जो उसका एक्सेलरेशन था, जिसको हम ए मान ले या मान लीजिए ए जीरो मान ले, वो जी वाई 10 के बराबर था। तो दोस्तों वर्मा सर कह रहे हैं एक लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर जा रही है विद एक्सेलरेशन जी वाई 10 से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग देखा, अक्सर घरों में होता है, गैस तोलने वाला आता, मम्मी रखे रहती, कब तोलता है ना तो रखे रहती यही वाला, am I right? ठीक, अभी है नहीं, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक हुक लगा था और उसके बाद आपने यहाँ पे एक पुली लगा दी, ठीक। थोड़ा सा और नीचे ले लें ताकि आपको वीडियो में देखने में आसानी। और इस ये मासलेस पुली थी और इस पुली पे आपने पट्टा डाल दिया, थोड़ा सा और बड़ी पुली ले लें, हालांकि मासलेस है लेकिन आपको समझाने के लिए ले लिया। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग के एक तरफ 1.5 किलो 1.5 केजी और एक तरफ 3 केजी टांग दिया। उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा। कह लगे जब लिफ्ट ऐसे चल रही है तो वो कितना मेजर कर रही होगी, क्योंकि ये जैसे ही आप इनको फ्री छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठक से 3 केजी ज्यादा है तो नीचे आएगा और 1.5 केजी ऊपर चला जाएगा, am I right? यही तो होगा। यानी इस सवाल इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि आपको दो एक्सेलरेशन मिल रही है, एक तो यहाँ मिलेगी क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे वजन अनइवन है, रुकेगा तो है नहीं, 3 केजी नीचे आएगा, 1.5 केजी ऊपर जाएगा, इतना तो आप समझते हैं, और साथ में लिफ्ट भी जा रही है। तो ऐसे सूरत हाल पे ये कितना वजन बता रही होगी, कितना मास बता रही होगी, क्योंकि आप देखते हैं यदि आप 14 केजी का सिलेंडर होता है घरों में, ऐसे इतना आपकी मम्मी ट्रक से आपने जो है यहाँ पे केजी आपको नापना है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, सोती सर की जय बोलनी है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो आपने कहा सर इसको तो धरती माता खींचेंगी, किससे खींचेंगी, 3G से। इस सेक्शन का एक रिएक्शन होगा जिसको आप टेंशन कह देंगे, टी जो कि आपकी स्ट्रिंग पे आएगा। सिमिलरली इसको भी धरती माता खींचेंगी, इनको भी नहीं छोड़ेंगी, 1.5G। और इस एक्शन का एक रिएक्शन यानी इस फोर्स का रिएक्शन इसी स्ट्रिंग पे आएगा और ये स्ट्रिंग टी होगी। क्यों होगी, छोटा सा हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। सपोज ये हमारी चेन है, इसको आप स्ट्रिंग समझ सकते हैं, एम राइट, दिख रही बेटा? तो अगर इधर हम टेंशन टी लगा रहे हैं तो देखिए इधर है तो इधर उठ रहा है, ठीक है, तो जो इधर टेंशन लग रहा है उतना ही तो इधर भी लग रहा है ना बेटा, ये देखो, नहीं तो टूट जाती, इक्वल एंड अपोजिट है। अगर मान लो ज्यादा लगा देते एक साइड हो गया, इधर लगाते ये झुक जाती, तो हम चूंकि दो यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, तो आप ये जान लीजिए कि जो ये टेंशन है दोनों क्या है बेटा, एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है, ये मासलेस है, इसलिए जो टेंशन इस पे होगा वो इतना होगा, am I right? अब इससे ज्यादा विजिबिलिटी दिख नहीं रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टी मिलके यहाँ पे 2T लगा रहा होगा, आप जितना आप समझते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम बाद में देंगे कि ये टी मिलके यहाँ पे 2T क्यों होता है, जब फ्री पुली वाला बताएंगे बेटा केस तब ये टूटी भी प्रूफ कर देंगे। अभी मान लीजिए कि साहब
ये धरती माता खींच रही है, इस एक्शन का रिएक्शन टी आया है, इसको भी खींच रही है, टी ही आएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग पे जो है तो जाहिर सी बात है आपकी टेंशन बराबर होंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर ये जैसे ही फ्री छोड़ेंगे तो ये भारी है तो ए एक्सीलेरेशन से नीचे आएगा, एम राइट, और ये वाला जो मास है वो ए एक्सीलेरेशन से ऊपर जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऊपर की ओर जा रहा है इस एक्सीलेरेशन से, यानी इस सिस्टम में दो एक्सीलेरेशन आपको दिख रही हैं, एक ये और एक आपको ये वाली दिख रही है, एम आई राइट। अब इन दोनों में क्या संबंध होगा, होगा ठीक है, दो ही हो सकते हैं, या तो रिलेटिव होगा या तो रिजल्टेंट होगा, दोनों को हमने बताया। जब नॉन टचिंग होता है दो चीजें नहीं टच करती हैं, जैसे दो ट्रेनें जा रही हैं, दो कारें जा रही हैं, टच नहीं कर रही हैं, चाहे एक दिशा में जाए पॉजिटिव में जाए तो वो रिलेटिव होती है। और जब अगर कोई चीज टच कर रही है जैसे बोट और रिवर वाला, करंट की दिशा में जा रही है उसके अपोजिट आ रही, या साइकिल से एयर को आप देखते हैं कि एयर की डायरेक्शन में साइकिल चलाना आसान होता है अपोजिट में मुश्किल होता है, तो उसमें टचिंग होती है एयर की साइकिल से बोट की रिवर से, तो वो रिजल्टेंट कहलाती है, am I right? रिलेटिव के सवाल तो इंडियन ऑथर देते नहीं है, हाँ जब हम रशियन या कुछ और लेंगे तब आपको करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है ये एक्सीलेरेशन लिफ्ट से है, लिफ्ट से आपका मास जुड़ा हुआ, स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, उससे आपकी पुली जुड़ी हुई है, और पुली की टच से आपके वेट लटके हैं, यानी कि इसमें और इसमें टचिंग हो रही है। भाई ये वाला मास इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो यानी कि जो एक्सीलेरेशन इसकी होगी वो उसका इफेक्ट इन मासों पे भी आ रहा होगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि साहब ये जो एक्सीलेरेशन हैं इनमें इनमें जो संबंध है वो रिलेटिव नहीं है, क्योंकि टच कर रहे हैं वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का आप समझते हैं सेम डायरेक्शन में जुड़ता है, उसी डायरेक्शन में घट जाता है, वैसे ही बात है, न्यू जा रहे हो तो जुड़ गए, न्यू है तो घट गए, काम बन गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ध्यान देना पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल देखिए कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इस पे जो रिजल्टेंट मिलेगी क्या होगी, भाई घटेगी अपोजिट डायरेक्शन में है, और कितनी होगी, ज्यादा से कम, यानी ए जीरो माइनस ए होगी। समझ रहे बेटा, सवाल अच्छा है। और इस पे देखिए ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, मसला रिजल्टेंट का है, टचिंग का है, इसलिए जुड़ जाएगी, और यही दिखा रहा हूं ए जीरो प्लस ए हो जाएगी। तो बस इतना होते ही आप जानते हैं न्यूटन बनने से पहले सोती सर के काम में क्या कह गया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलेरेशन। एक्सीलेरेशन आपने निकाल ली, इसको इतना आ रहा है और इस वाले की एक्सीलेरेशन इतना है, दोनों पे नेट फोर्स निकाल के मास से गुणा कर दीजिए और वाह वाह हा हा सवाल हल। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम 3 kg के पास। 3 kg पे देखिए आपको किसके फोर्स दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, अपोजिट है कि नहीं है, ये नीचे है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होंगे, ठीक, कहां से होंगे, ज्यादा से कम, ज्यादा किधर होगा, जिधर बॉडी मूव कर रही होगी, तो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो कौन ज्यादा होगा, टी, तो नेट फोर्स हो गया टी माइनस थ्री इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एक्सीलेरेशन। एक्सीलेरेशन कितनी बेटा, इतनी है, ए जीरो माइनस एक्स, यानी दिस माइनस। आइए 1.5 kg के लिए 1.5 kg के लिए लिखते हैं,
देखो बेटा इसमें कितने फोर दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, अपोजिट है, ये इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो क्या होगा, सेपरेट होंगे, कहां से ज्यादा से कम, ज्यादा कहां होगा, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि माइनस 1.5 mg, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू प्रोटेक्ट ऑफ इट्स मास, मास आपको मालूम है और एक्सीलरेशन आपने निकाल ली है, यानी a जीरो माइनस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आपको इस बार दिखाई दिया कि इसके बॉडी के अंदर दो एक्सीलरेशन भी हो सकती है, हाँ रिजल्टेंट होती तो दिक्कत नहीं, अपोजिट में घटा देंगे, सेम है तो जोड़ देंगे, रिजल्टेंट कब मिलती है, जब टचिंग होती है, मजा कब आता है, जब रिलेटिव होती है, वो मैंने आपको बताया है कि जो रशिया से लगा हुआ जर्मन पोलैंड के आसपास का इलाका है, वहां के जो साइंटिस्ट है वो अच्छा लिखते हैं, बताएंगे बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। तो दोस्तों बस काम बन गया, रख लीजिए वैल्यू, काम बन गई, यहाँ ए जीरो की वैल्यू क्या रख लेंगे, डी बाई टेन रख लेंगे, तो आप यहाँ पहुंचे, दिख रहा है बेटा, हाँ क्योंकि नया सिस्टम है, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने हमको नया नया कैमरा गिफ्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो रही, तो ए जीरो है, डी बाई टेन एम ए राइट माइनस ए, और खोल रहे हैं, खोल दीजिए, 3g बराबर 3g by 10 माइनस 3a, आइए बेटा इसको देख लेते हैं, ये हो गया t माइनस 1 पॉइंट, इतना 1.5, a जीरो की वैल्यू कितनी दी है सर ने, जी by 10 दी है, माइनस 1.5a, बस सॉल्व कर लीजिए, पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, फिर टी निकाल लेंगे, फिर उसको टू टी कर देंगे, काम खत्म। तो आपने कहा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एम राइट, तो गलती कर रहे हैं, देखो ये प्लस है, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बस काम बन गया दोस्त, ये कट गया, तीन में से इतना गया तो माइनस ही का ज्यादा होगा, 1.5g है मेरा बेटा, अब इसमें से इतना घटा दीजिए, तीन में से डेढ़ घटा देंगे तो डेढ़ ही बचेगा, और पॉजिटिव तीन ज्यादा है, यहाँ यहाँ माइनस है 4.5a, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, a निकालना है, a निकाल लीजिए, 1 पॉइंट इतना, इसको इधर ले जाइए, राइट, सारा खेल यही है जो न्यूटन मंडेस पहले कह दिया था, अब तो कैलकुलेशन करना, ऊपर ले जाइए, भाग कर दीजिए और कर दीजिए, जोड़ दीजिए 1.6 और ये 5 ए, तो आपका ए निकला है बेटा, बड़े आराम से निकला है, आपने कहा सर इसको इससे हटा दें तो ये क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, पांच से कटता दिख रहा है, पांच दिए 15, पांच दिए 15, पांच ने 45, अब तीन से कटता दिख रहा है, 1 1 तीन त्रिक का 9, बोर्ड हमारा मर गया है, तो थोड़ा सा मिटाएंगे, इतना तो आप सीख गए, यही खेल था, तो रिजल्टेंट इतना और इतना और फाइनली इक्वेशन निकलेगा, अब ए आ गया, ए से हम क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे, am I right? और टी से क्या निकाल लेंगे, टू टी निकाल लेंगे, मास निकालना है तो क्या होता है, टेंशन है, m into g होता है, मास मास से मास निकल आएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी जगह बनाता हूं, इसको मिटा लेता हूं और यहां से टेंशन निकालता हूं, टी माइनस 3g इज इक्वल टू 3g अपॉन 10 माइनस 3, ए कितना आया बेटा 11/30, तो अच्छा है इसको काट के 10 कर लीजिए, बस काम बन गया, टी आ गया आपके,
तो आपने कहा टी बराबर 3d/10 माइनस 11/10 जी एम राइट, और ये माइनस का जाके प्लस हो गया, खेल खत्म, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया 3 - 11 + 30 × d, जी कॉमन ले लिया था, 3 यहां का आ गया, 11 यहां आ गया, क्योंकि इसके नीचे है नहीं था, गुणा कर दिया आपने 10 से, इससे गया तो 10, इधर गया 20, तो आपने कहा कितना बचा, इससे गया तो 20 बचा, एक इससे गया तो 22 हो गया, 22/10 g, यानी 2.2 g। कितना चाहिए था आपको, आपको चाहिए था 2t, 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिएगा तो 4.4 g। अरे भैया 2 से इधर भी गुणा किया, 2 से इधर भी गुणा करके, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और आप जानते हैं कि भैया इनमें मास नापना, तो कहने लगे ये mg के बराबर हो गया, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, दिख रहा बेटा, दिख रहा 4.4 g, जी जी कैंसिल कर दीजिए, तो m बराबर 4.4 kg नापता हुआ ये नजर आएगा। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि बॉडी पे केवल एक ही एक्सेलेरेशन हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बस आपको ये पकड़ना है कि वो रिजल्टेंट है कि रिलेटिव है, और उसका हमने तरीका बता ही दिया, टचिंग है तो रिजल्टेंट है और नॉन टचिंग चल रही है तो रिलेटिव होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त, इंतजार कीजिए नए सवाल का।